बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। हमारा चैप्टर नंबर 5 है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बेसिकली किसे कहते हैं, हम इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर और फोर ऑपरेशन, बट समटाइम्स इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। इसका मतलब है कि जो सिंप्लीफिकेशन है उसका मतलब ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन में दो या दो से ज़्यादा जो है वो ऑपरेशन यूज़ हो रही हैं, दो या दो से ज़्यादा साइन यूज़ हो रहे हैं, तो हम उसको क्या करते हैं कि उसको हमें सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई करना बहुत बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर देखें कि एक आपके पास क्वेश्चन है, उसमें आपके पास 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस 1, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा साइन यूज़ हुआ है। एक तो डिवाइड आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर मल्टीप्लाई आ गया, फिर माइनस भी आ गया। इसमें चार से ज़्यादा आपके पास क्या हो रहे हैं, चार या चार से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जो है वो ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा साइंस यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। अगर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं सही आएगा और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आगे देखें, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। हम इसको क्या करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ब्रैकेट में जो है वो सेपरेट कर देते हैं। वो ब्रैकेट में क्यों सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि ये साइंस जो हैं वो अलग अलग से हैं, इसलिए हम इसको ब्रैकेट्स में सॉल्व कर देते हैं। इसके लिए हम कौन कौन सी ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, सबसे पहले इसको बार ब्रैकेट भी पढ़ते हैं, इस कॉल्ड अ बार और विनिकुलम। इसको क्या पढ़ेंगे, बार या विनिकुलम, ठीक है। उसके बाद ये है राउंड ब्रैकेट, ठीक है, इस कॉल्ड अ राउंड और कर्व्ड ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम या राउंड ब्रैकेट पढ़ेंगे या कर्व ब्रैकेट पढ़ेंगे या हम पैरेंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हो जाती है तीसरी ब्रैकेट इज कॉल्ड अ कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस। या तो हम इसे कर्ली ब्रैकेट कहेंगे या से हम क्या कहेंगे, ब्रेसेस कहेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास स्क्वेयर ब्रैकेट आ जाती है, हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम कहते हैं छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट। और इसको मैथ में हम क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट या हम क्या कहेंगे, कर्व ब्रैकेट या हम कैसे क्या कहेंगे, पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रैकेट आ जाती है, इसको हम कहेंगे कर्ली ब्रैकेट या हम कहेंगे ब्रेसेस। अब ये जो ब्रैकेट है, इसको हम कहेंगे या तो बॉक्स ब्रैकेट कहेंगे या हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद उसको सॉल्व करने के सम रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर सम रूल्स टू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट को सॉल्व करने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल नंबर वन है, व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब एक एक्सप्रेशन में सिर्फ एडिशन हो और सब्ट्रैक्शन हो, वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। विद इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से ये लेफ्ट है, लेफ्ट से हमने किस साइड पे जाना है, राइट साइड पे जाना है। अगर सिर्फ दो ऑपरेशन दिए हैं, जो के है प्लस है और माइनस है, जैसे कि यहाँ पे ये देखें, ये ब्रैकेट है 4 + 2 - 3, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस को सॉल्व करते हैं। उसने कहा है, पहले आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है तो राइट पे जाना है, ठीक है। 4 में 2 प्लस करेंगे 6 हो गया, माइनस करेंगे अब हम इसमें 3, 6 में से 3 माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3, ठीक है। लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट की तरफ आपने जाना है, ये है पहला रूल। अब उसके बाद दूसरा रूल है, व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। जब एक एक्सप्रेशन में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हो और डिवीजन हो, वर्क फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, फिर हमने क्या करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना। विद इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट आपके पास रूल आ जाता है, व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स एनी 3 और ऑल 4 ऑपरेशंस। अगर एक एक्सप्रेशन में या तो 3 या 3 से ज़्यादा, यानी कि 4 एक्सप्रेशंस यूज़ हो रहे हैं, यूज़ द बॉडी मास रूल। फिर हम क्या करेंगे, बॉडी मास रूल्स यूज़ करेंगे। अब बॉडी मास रूल क्या होता है, BO स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स ऑफ, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, D स्टैंड फॉर डिवीजन, फिर उसके बाद डिवीजन सॉल्व करेंगे, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, A स्टैंड फॉर एडिशन, एडिशन को सॉल्व करेंगे, एंड S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, S फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन लास्ट पे, सबसे लास्ट पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। बॉडी मास रूल, अगर उसने कहा है कि अगर एक क्वेश्चन में 3 या उससे ज़्यादा, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा साइन यूज़ हो रहे हैं, 3 या 4 यूज़ हो रहे हैं, तो हम उसमें बॉडी मास रूल यूज़ करेंगे। बॉडी मास रूल में क्या है, सबसे पहले BO स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स ऑफ, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन को सॉल्व करना है, और सबसे एंड पे सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। होप सो आप लोगों को बॉडी मास रूल की समझ आ गई होगी। अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 61 पे, तो वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है,
वी डिस्कस सम प्रॉब्लम ऑफ आवर एवरी डेली लाइफ, ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं, इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन, जिनमें फ्रैक्शन होती है। वाइल सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन थ्री पॉइंट्स, हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीन पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं। व्हाट डू यू वांट टू नो, आप जानना क्या चाहते हैं। विच इज़ द प्रॉपर ऑपरेशन, इसमें कौन सा जो है वो ऑपरेशन यूज़ होगा, ऑपरेशन का मतलब है इसमें कौन सा साइन यूज़ होगा, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे आप, वो आपको समझना है, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले कि व्हाट डू यू नो, आप उस क्वेश्चन में क्या जानते हैं, आपको उस क्वेश्चन में क्या समझ आई है। अब उसके बाद व्हाट डू यू वांट टू नो, और अब आप मज़ीद उसमें क्या जानना चाहते हैं। फिर उसके बाद अब इस पर कौन सा ऑपरेशन, कौन सा प्रोसेस, कौन सा मेथड आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 5 का, और कल से इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज में स्टार्ट करवा दूँगी। आप लोगों ने ये डेफिनेशंस, ये बार्स और इसके रूल्स और डेफिनेशन, बॉडी मैस रूल, ये सारा कुछ आप लोगों ने लर्न करना है, ठीक है क्लास। थैंक यू सो मच बेटे।